राष्ट्रीय तेली समाज प्रतिनिधि सम्मेलन भोपाल में संपन्न। आज राष्ट्रीय तेली समाज के द्वारा प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के अनेक प्रांतों से उपस्थित बड़ी संख्या में आए हुए स्वजातीय बंधुओं ने बहुत चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें माँ कर्मा देवी की आरती एवं पूजन से कार्यक्रम का आरंभ किया गया। स्थानीय एवं प्रांतीय अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण भारत से पधारे हुए तेली समाज बंधुओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरारी गुप्ता जी मुंबई महाराष्ट्र मनोनीत किया गया, तथा हमारे CTN लाइव चैनल के संवाददाता को राष्ट्रीय IT प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री दीपक कुमार साहू चौरई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को भी मनोनीत किया गया। चौरई CTN से दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट। देखिए हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक संकलन करते हैं, परीक्षा संकलन करते हैं या कोई भी सामाजिक गतिविधि हमने इनके पास में CTN चैनल और न्यूज चैनल टीवी में का कवरेज होता है, ये संवाददाता है और समाज के बहुत अच्छे कार्य करता है। तोड़ देंगे तेना पड़ेगा इतिहास को रास्ता, इस इतिहास को भी मोड़ देंगे। कोरोना इस इतिहास को उन्होंने बताया था, लेकिन कोरोना चालू होने के कारण आप सबके पास नहीं पहुंच पाया। भविष्य समय के लिए ऐसा प्रयास होगा जहाँ पे हम सभी एकत्रित होंगे और समझ आप सभी के समक्ष अपने प्रस्ताव रखेंगे। आज ये सदन में विशेष तौर से मैं सभी का आभार एक करना चाहूंगा, भाई रामलली जी इस सभा के सभापति, इतिहासकार सम्मानी डॉक्टर महा आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें श्री संतोष गुप्ता जी और श्री दीनदयाल गुप्ता जी। मोदी ये क्या बैठक रखी है आज आपका जो आयोजन राष्ट्रीय तेली समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन है, उसमें तेली समाज के बारे में चिंतन है और जो भी सुझाव है प्रतिनिधियों का अलग अलग प्रांत से आए हुए हैं तो उनका सुझाव लेना है और आगे क्या योजना बनानी है वो तय होगा। किस संबंध में ये बैठक रखी गई है यहाँ पे? समाज का संगठन, समाज के संगठन सर्वांगीण विकास, समाज का किस तरह से करना है वो बारे में चिंतन होगा। अभी बात भी उठी है जैसे समाज का 18% वोट है यहाँ पर और एकमात्र विधायक है, तो कितना टिकटोगी मांग कर रहा है या कुछ राजनीति में कुछ क्या करेंगे आगे? राजनीति की बात अलग है, हम अभी समाज के संगठन की चिंता करेंगे। मैडम ये क्या प्रस्ताव पास हुए और महिलाओं के हक के लिए क्या डिमांड करते हैं आगे? सबसे बड़ी चीज की आज है जो खासकर है ये साहू समाज में, और साहू समाज में निश्चित रूप से आज जनप्रतिनिधियों का एक विचार विमर्श